हेलो बच्चों, डीएनएस में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है आप लोग अपने एंट्रेंस को क्वालिफाई करें किसी किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आप लोग एडमिशन ले चुके होंगे और पढ़ाई को स्टार्ट कर चुके होंगे। पढ़ाई को और बेहतर तरीके से करने के लिए हमारा ये नवोदय बैच स्टार्ट हो गया है। आप चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और जिसके कुछ हमारे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों की अगर बात करें तो उनके कुछ सिलेबस हम डिस्कस आज करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि मेरा नाम अभिजीत है और मैं आपका स्टैटिस्टिक्स का मेंटर हूं। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपके दो पार्ट होंगे सिलेबस में, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। और इसके अलावा ये जो आपका एग्जाम पैटर्न होगा 75 नंबर का, तो आपका एग्जाम होगा और 25 नंबर में 25 नंबर के आपके मिड टर्म होंगे जो कि इसी सिलेबस से पूछे जाएंगे। तो डिस्कस करते हैं सिलेबस का जो पार्ट ए है वो उसमें 4 यूनिट है और पार्ट बी उसमें आपके 4 यूनिट है। टोटल आपको 8 यूनिट पढ़ने हैं। इस 8 यूनिट से आपको एग्जाम में 75 नंबर पाने हैं और मिड सेम में भी इसी से ही पूछा जाएगा जिससे आपको 25 नंबर पाने हैं। कुछ प्रोजेक्ट वर्क अगर कुछ टीचर्स देते देते हैं, मतलब 75 नंबर तो फिक्स है, बाकी 25 नंबर वो आपके टीचर पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आपको देना चाहते हैं। कुछ कुछ लोग प्रोजेक्ट देते हैं, कुछ कुछ प्रैक्टिकल, तो कुछ कुछ आप एग्जाम करा देते हैं, ठीक है ना। तो क्या है जिसका पार्ट ए है? पार्ट ए को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे है जो कि यूनिट वेरिएट की बात हो रही है, मतलब इसमें सारे ऑब्जर्वेशन केवल एक वेरिएट पे बात होगी, एक वेरिएबल पे बात होगी। जैसे कुछ टॉपिक है कि इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताना है, इसकी मीनिंग बतानी है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका स्कोप क्या है इंडस्ट्री में, इंट्रोडक्शन और कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कॉलर्स इन स्टैटिस्टिक्स, ये कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स क्या होते हैं, क्वेश्चनेयर क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है, प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा क्या होता है, और ये आपका कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा क्या होता है, इसकी कंसिस्टेंसी के बारे में चेक करनी है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग उसके बारे में इस पहले यूनिट में पढ़ते हैं। उसके बाद अगर दूसरी यूनिट में हम देखना चाहें तो दूसरी यूनिट में इन्हीं डेटा का फिर हम लोग प्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा किस तरह का, क्लासिफिकेशन हो गया, टेबुलेशन हो गया, डायग्रामेटिक हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, या ग्रुप डेटा, मतलब ये ग्रुप, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया ग्रुप डेटा का, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ही होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, ओगिफ्स क्या होते हैं या फिर ऊंचाई से पढ़ते हैं, स्टेम एंड लीफ प्लॉट क्या होता है, बॉक्स एंड बॉक्स प्लॉट कर्व क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर जो अगली यूनिट आपकी है थर्ड यूनिट, जिसमें हम लोग मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड मीन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। वेटेड मीन भी पढ़ते हैं, बताए तो भी, और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है इस पर चर्चा करेंगे, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन क्या होती है, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर मोमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगली यूनिट में, मोमेंट्स क्या होते हैं, फैक्टोरियल मोमेंट क्या होते हैं, शेपर्ड करेक्शन क्या होता है मोमेंट में, मेजर ऑफ स्क्यूनेस क्या होती है, क्रोटोसिस क्या होती है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इसके मेजर्स बेस्ड ऑन क्वार्टाइल ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और फिर अगर हम, फिर ये हमारे 4 यूनिट किसके हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पार्ट ए के हैं। उसके बाद अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो ये हमारा पार्ट बी आता है, जो भी आप इसको अच्छे से आप लोग थोड़ा सा 12th में पढ़ के आए होंगे, जो कि थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ट्रायल क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, सैंपल पॉइंट, सैंपल स्पेस, इवेंट्स, ऑपरेशंस ऑफ इवेंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट, ये क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में क्लासिकल और रिलेटिव फ्रिक्वेंसी वाले और एक्सियोमेटिक अप्रोच, इन सब की हम लोग अलग अलग डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग का कॉन्सेप्ट आता है आगे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी स्पेस, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी अंडर सेट थ्योरी अप्रोच, इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल एंड कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम और इसके एप्लीकेशन क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या होता है कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है दो रैंडम वेरिएबल का, मार्जिनल और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इंडिपेंडेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल की कंडीशन हम लोग अगले इस 7वें यूनिट में पढ़ेंगे।
उसके बाद आठवें यूनिट में हम चर्चा करेंगे किसकी, एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। एक्सपेक्टेशन स्पेशली मीन होती है कि रैंडम वेरिएबल का मीन कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक्सपेक्टेशन ऑफ सम ऑफ रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन हम लोग चर्चा करेंगे, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन क्या होती है उसकी चर्चा करेंगे, रिलेटेड प्रॉब्लम आगे करेंगे, मोमेंट्स इन द टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन क्या होती है, मोमेंट जनरेटिव फंक्शन क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कॉन्टिन्यूटी थ्योरम ऑफ MGF क्या होता है, चेबीशेव इनइक्वालिटी क्या होती है, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या होता है सीक्वेंस का, और रैंडम वेरिएबल्स और इसके एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पूरा का पूरा 8 यूनिट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो काफी मजेदार है। आप लोग कोर्स को ज्वाइन करिए और अच्छे से पढ़िए, मैं भी कोशिश करूंगा कि आप लोग को अच्छे से समझाऊं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वही है, BSc फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की ऑनलाइन कोर्स चल रही है जो कि नवोद्भव बैच के थ्रू चल रही है। आप लोग की जो बैच चल रही है उसको हम लोगों ने नाम दिया है नवोद्भव बैच। BSc मैथमेटिक्स बायोलॉजी एग्रीकल्चर और बीकॉम के लिए क्लासेस चल रही है जिसके फीचर्स हमारे कुछ यहाँ पे है, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लास, लाइव डाउट क्लास, क्लास हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आप लोग को, PYQ कराए जाएंगे इसी में, और फिर वन शॉट रिविजन यूनिट वाइज भी आपको कराया जाएगा, 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम भी कराया जाएगा। मात्र 1250 रुपए में आपको 3 महीने में अच्छा सा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, लेकिन इसकी वैलिडिटी आपकी 1 साल की रहेगी। और जो इसके नोट्स हैं इनसे रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं पूरे कोर्स के वो आपको DNS एजुकेयर ऐप पे मिलेंगे। आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद और आप लोग को ऑल द बेस्ट।